हेलो एवरी वन यू वॉचिंग डी नॉलेज ट्रैक एंड दिस इज़ अपराजिता आई हैव सिक्योर्ड इन ऑल इंडिया रैंक फोर्टी इन सिविल सर्विसिज एग्जामिनेशन टू थाउजेंड सेवेंटीन और मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ अबाउट माई ऑप्शनल विच इज़ हिस्ट्री सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई आई चूज़ हिस्ट्री एज माई ऑप्शनल हिस्ट्री मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि पहला प्राइमरी रीज़न था स्ट्रैटेजिक कि अ लॉर्ड ऑफ पोर्शन ऑफ माई जी एस पेपर वुड बिन कवर्ड If I had I chosen history as my optional, so that was the first thing. The second thing is that uh, my mother also had a background in history, she was PhD, her subject was uh, ancient history. Uh, my Nanaji also had modern and medieval as his subjects, he had double MA. My Masi also has modern um, history, She's also a lecturer, so her subject is also modern history. So, I have a lot of background. Tha general discussion itihas pe chalta rehta tha so i had a natural inclination towards the subject and that's why i chose history as my optional so there are two three things about history as an optional that you should keep in mind uh, first uh, is that the syllabus is very vast so uh, in order to not get sucked into the vortex of you know reading one topic uh, uh, like too much and uh, ignoring others and then ignoring gs at the expense of your optional यू हैव टू स्टडी द ऑप्शनल वेरी स्मार्टली और आप ट्रेडिशनल सोर्सेज से आप नहीं पढ़ सकते आपको थोड़ा स्मार्टली एंशंट uh, के लिए अलग मिडीवल्ड के लिए अलग स्ट्रैटी हर चीज़ हर अलग सब टॉपिक के लिए अप्लाई करनी पड़ेगी दूसरी चीज़ यह है कि हिस्ट्री uh, ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं मैंने पर्सनली कोचिंग की थी uh, बलियान से uh, जिसमें मुझे लगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से कवर्ड था बट मॉडर्न वगैरह अच्छे से कवर्ड नहीं था तो uh, इवेंचुअली मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत खुद से भी करनी पड़ी तो ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको पता है कि कौन से सोर्सेज आपको कंसल्ट करने हैं तो आपको कोचिंग uh, की ऐसा ज़रूरत नहीं है हिस्ट्री में अनदर इज़ दैट हिस्ट्री से आप बहुत लाइक हिस्ट्री इज़ अ वेरी सेफ सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स इफ़ यू प्रिपेयर प्रॉपरली यू विल गेट डिसेंट मार्क्स बहुत कम मार्क्स नहीं मिलेंगे कभी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे uh, फॉर एग्जाम्पल एज इज़ हेपन विद मैथ्स एंड एंथ्रोपोलॉजी दिस ईयर की उनको हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स की लीड मिली है वो आप हिस्ट्री uh, से उसकी उम्मीद नहीं रख सकते बट हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत अच्छा और बहुत सेफ़ सब्जेक्ट है और बहुत कम नंबर आपको कभी नहीं मिलेंगे हिस्ट्री में नाउ मूविंग टू द बुक लिस्ट दैट आई हैड कंसल्टेड फॉर हिस्ट्री तो एंशेंट के लिए मैंने उपेंद्र सिंह की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ एंशेंट एंड अर्ली मिडीवल इंडिया उसको कंसल्ट किया था उसके अलावा जो कुछ चीज़ें मैंने इग्नू के बीए और एमए से भी करी थी जैसे कि साउथ इंडियन पॉलिटी है वो बहुत अच्छे से इग्नू में दी हुई है वो मैंने उससे कंसल्ट करी थी एन मैंने पुरानी भी पढ़ी हैं नई भी पढ़ी हैं क्योंकि तो नई एन में भी देर इज़ अ लॉड ऑफ़ मटीरियल फॉर एग्ज़ाम्पल आप आजकल ट्रैवलर अकाउंट्स बहुत पूछते हैं तो बर्नियर वग़ैरह के अकाउंट आपको इब्न बतूता के आपको नई एन में मिल जाएंगे तो डोंट इग्नोर एनी एन सी आर टी कि आपने एक टॉप मतलब आपने ओल्ड पढ़ ली तो ऐसा ना करें कि आप न्यू एन सी आर टी नहीं पढ़ रहे हैं आपको दोनों एन सी आर टीज अगर आप पढ़ें तो अच्छा होगा देन बलियान के क्लास नोट्स तो थे ही वो भी मैंने कंसल्ट किए थे uh, मैंने क्योंकि जी एस कोर जॉइन किया था फॉर हिस्ट्री देन जी एस कोर के जो सल्यूशन पेपर्स आते थे uh, वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगते थे तो जहाँ जहाँ भी गैप्स थे मेरे प्रिपरेशन में दो पेपर्स रियली मी लकूना फॉर मीडिविल माई बेस बुक वो सतीश चंद्रा सतीश चंद्रा के अलावा इग्नू बी ए और एम ए की सेलेक्टिव रीडिंग मैंने करी है स्पेशली फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे से कवर्ड है इग्नू में ब्यूटिफुली रिटर्न तो ज़रूर उससे सेलेक्टिव रीडिंग करें ऑल्सो मैन टॉक अबाउट इग्नू मैं ये नहीं बोलूँगी कभी कि यू रीड द एंटायर इग्नू मटेरियल बिकॉज इट्स टू वास्ट तो आपने जो भी अपनी बेस बुक बनाई है फॉर एग्जाम्पल आपने एंशंट यू केप्ट उपिंदर इन एंशंट यू केप्ट उपिंदर इज़ यो बेस बुक सो

राइट right? तो आप यू वॉन्ट बी यू वॉन्ट बी रियली इन्वेस्टिंग इन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक जिससे कम कम क्वेश्चन आ रहे हैं या इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप देख रहे हैं पिछले कुछ मतलब जो भी जनरल पैटर्न है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए कि वेटेज क्या है टॉपिक की और इसको कैसे कवर किया जा सकता है फिर आप देखिए कि uh, आपके बेस बुक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं अगर आपको लगता है कि सारे टॉपिक्स बेस बुक में कवर्ड हैं देन फाइन बट अगर कुछ टॉपिक्स हैं जो बेस बुक में कवर्ड नहीं है ओनली देन कंसल्ट इग्नू बीए और इग्नू एमए उन्हीं के लिए केवल बिग् इग्नू कंसल्ट करें सो रीड इग्नू मटेरियल सिलेक्टिवली डोंट रीड इट कम्प्लीटली क्योंकि द सिलेबस इज़ वेरी वेरी वास्ट एंड यू हैव टू फिनिश द सिलेबस ऑन टाइम आपको दो तीन रिविजन भी चाहिए मिनिमम हर चीज़ के सो so, दैट आप सारे अपने जो जितना भी आपका जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी आपका थाट है आप उसको एक साथ कंसॉलीडेट कर सकें अपने आंसर में वैल यू राइटिंग द एग्जाम तो कम पढ़िए और स्मार्टली पढ़िए ये uh, मेरा मूल मंत्र मैं आपको देना चाहूँगी कि जो भी ट्रेडिशनल बुक्स हैं ऐसा ना करें कि आप सब कुछ पढ़ते चले जा रहे हैं और वही रिपीटेड चीज़ें हर बुक में पढ़ते चले जा रहे हैं दैट जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम हाँ सो कमिंग टू मिडिवल अगेन सतीश चंद्रा वॉज माई बेस बुक इग्नू कंसल्ट की थी मैंने उसके अलावा बी एम ए एन सी आर टीज अगेन एंड बलियान नोट्स एंड जी एस कोर्स सोल्यूशन पेपर्स मॉडर्न के लिए uh, uh, दैज़ द थिंग विद मॉडर्न इज़ दैट मॉडर्न इंडिया इज़ दैट कि uh, आप कोई भी एक बुक पढ़ेंगे उसमें आपको सिलेबस के सारे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कंसल्टिंग प्लासी टू पार्टिशन विच इज़ अ वेरी थरो वेरी गुड बुक विच रियली गिवज यू अ डीप इंसाइट अबाउट पोस्ट प्लासी इंडिया उसमें भी आपको गवर्नर जनरल्स के बारे में नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको बी एल ग्रोवर कंसल्ट करना पड़ेगा या कोई और बुक कंसल्ट करनी पड़ेगी तो आप uh, देखिए कि आप सिलेबस देखिए और देखिए कि कौन सा टॉपिक आपको किस बुक में मिल रहा है यू डोंट हैव टू रीड पूरा यू डोंट हैव टू हैव अ स्ट्रैटेजी

Uh, चार बुक्स तीन चार बुक्स कंसल्ट की थी मॉडर्न uh, के लिए प्लासी टू पार्टिशन कंसल्ट की थी बीएल ग्रोवर कंसल्ट की थी एन uh, सी कंसल्ट की थी और इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस जो है बिपिन चंद्रा की इट्स वेरी गुड फॉर टॉपिक सचे कम्युनलिज्म हो गया या फिर मार्क्सट टॉपिक्स हो गए प्रेजेंट मूवमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है बिपिन चंद्रा तो टॉपिक वाइज मैंने उस तरह से पढ़ाई करी है देन अगेन कमिंग टू वर्ल्ड हिस्ट्री बलियान नोट्स के साथ साथ बलियान नोट्स काफ़ी अच्छे हैं वर्ल्ड के तो मैंने वो कंसल्ट किए फिर मैंने सेलेक्टिव रीडिंग करी है एल मुखर्जी की अलॉड ऑफ माई फ्रेंड्स रीड नॉर्मल लो मैंने नहीं पढ़ी है uh, मुझे लगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं एन और एल मुखर्जी और बलियान के नोट्स को मिला जुला के अपार्ट फ्रॉम इंटरनेट बेस्ड स्टडी मैं वो कवर कर ले रही हूँ तो मैंने नॉर्मल लो नहीं पढ़ी है मैंने राल्फ एंड बर्नस भी नहीं पढ़ी है वर्ल्ड uh, में आपको इंटरनेट uh, से बहुत सारे सोर्सेज कंसल्ट करने पड़ेंगे मेरी जो प्राइमरी मतलब फिफ्टी ऑफ द वर्क दैट हैव डन इज़ फ्रॉम द इंटरनेट तो ये है मेरा देन uh, अगेन जितने भी आपको ये रहेगा कि देर आर लॉर्ड ऑफ डिबेट्स पेपर वन में एंशंट मीडियल आता है पेपर टू में आपका मॉडर्न और वर्ल्ड आता है पेपर वन uh, में मतलब एंशंट में स्पेसिफिकली काफ़ी सारी डिबेट्स हैं वो काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के नाम हैं वो आप कहीं लिख के रख लें स्क्रिबल कर लें आप उसको आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं और सिमिलरली uh, मॉडर्न uh, में भी बहुत सारी डिबेट्स हैं वो भी आप उसी तरह रख लें अगर आप क्लासी टू पार्टीशन पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर sure आप उसको रिवाइज़ करने का कोई स्मार्ट तरीका आपके पास हो इट्स अ वेरी बिग बुक और यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स तो अगर आपके पास टाइम है अब uh, प्री हो चुका है रिज़ल्ट uh, आने के uh, पहले आपके पास एक महीने का बफर पीरियड है उस बफर पीरियड में आप प्लासी टू पार्टीशन के नोट्स बना लें और uh, सारे टॉपिक्स को एक जगह कंसॉलीडेट कर लें Uh, now coming to the pattern of history optional paper. So uh, you might have noticed कि पिछले दो-तीन साल से जो pattern है वो change हो रहा है paper का. So the first thing is आजकल source-based questions बहुत आते हैं. जैसे कि travelers accounts आते हैं. For example, विजय period का आ गया. Last year जोना राजा का account पूछ लिया था आपसे. Muhammad bin Tughlaq के ऊपर भी अगर कोई question आता है तो it is solely मतलब very highly dependent upon Birni's account. तो um, साउथ इंडियन सोसाइटी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था साउथ इंडियन सोसाइटी को एनालाइज करें ऑन द बेसिस ऑफ संगम लिटरेचर तो कुछ बेसिक सोर्सेज बेसिक ऑथर्स आप प्रिपेयर करके रखिए uh, आप ये ये कर सकते हैं कि यू मेक अ स्टडी ग्रुप फॉर फोर फाइव पीपल एवरी पर्सन राइट्स अबाउट फाइव सोर्सेज जैसे कि पाँच कंटेम्प्रेरी ऑथर्स एक इंसान ने कर लिए पाँच 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 ऐसे करके देन यू कैन शेयर योर पूल योर मटेरियल तो इससे आपके पच्चीस uh, तीस सोर्सेज uh, जो हैं मिडीवल के भी एंशंट के सब कवर हो जाएंगे सो दिस कैन बी डन ऑल्सो लॉट ऑफ माइक्रो टॉपिक्स आर कमिंग दीज डेज जैसे कि आज uh, आपसे पूछा जाए कि आप लेखा पद्धति डॉक्यूमेंट पे कुछ बोलें या अगीरी टेम्पल्स पे आजकल बहुत uh, चर्चा में है अगीय टेम्पल्स जो पारसीज़ के फायर टेम्पल्स होते हैं वो अप्रैल से uh, मई तक कई बार न्यूज़ में आ चुके हैं तो उनसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है तो ऐसे माइक्रो टॉपिक्स के लिए uh, इग्नू बी बहुत अच्छी बुक है कुछ आपको टॉपिक्स इग्नो बी में मिल जाएंगे कुछ आपको इग्नू uh, एम में मिल जाएंगे अगर सतीश चंद्रा में मिल जाते हैं तो वेल इन गुड स्पेशली मिडीविल से ऐसे बहुत पूछे जा सकते हैं माइक्रो टॉपिक्स तो अगर सतीश चंद्रा में मिल जाते हैं तो वेरी इट्स वेरी गुड नहीं मिलते हैं तो बी और एम uh, से आपको जो लगे कि आ सकता है अब उस पर चार पाँच पॉइंट्स लिख लें और उसको अलग से रख लें देन देर इज़ अ ट्रेंड ऑफ़ क्वेश्चन इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स सोशो इकोनमिक मिलियो जैसे विमेन uh, आप विमेन एंट्रिक क्वेश्चन बहुत आ जाएंगे uh, सब ऑल्टन हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ रहे हैं लास्ट ईयर भी आया था तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप हिस्ट्री पढ़ें जब आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप उसको आप फैक्ट्स को रखने की कोशिश ना करें हिस्ट्री को ऐसे अप्रोच करिए कि हिस्ट्री इज़ अ स्टोरी ऑफ चेंज इन द सोसाइटी एंड द सोसाइटी इज़ बिल्ट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स लाइक आर्ट एंड कल्चर हो गया सोसाइटी में रिलीजन होता है दैन यू नो दर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स रिलीजन हो गया आर्ट एंड कल्चर हो गया विमेंस uh, ईशूज़ हो गए अलग अलग तबके होते हैं सोसाइटी में तो इन सब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करें सोसाइटी से क्या क्या रिलेट कर सकता है और उस तरह से हिस्ट्री को अप्रोच करें और अपने आंसर्स भी जब आप लिखें तो उनको हेड्स में डिवाइड करके लिखें कि आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका इम्पैक्ट uh, और कॉजेज़ क्या थे तो कॉजे क्या होंगे सोशल कॉज क्या थे इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या थे रिलीजियस क्या थे पोलिटिकल कॉजेज़ क्या थे वैसे लिखें फिर इम्पैक्ट अगर आपको लिखना हो तो वैसे ही सोशल इकोनॉमिक रिलीजियस कल्चरल ऐसे करके इम्पैक्ट्स आप लिख दें तो उससे क्या होगा कि आपके पास जितना भी कंटेंट है यू विल बी एबल टू सिस्टेमेटाइज इट बेटर और जो चेक कर रहा है एग्जाम और उसके लिए भी चेक करने में आसानी हो जाएगी तो uh, उसमें अगर आप चाहें तो उसको फैक्ट से सब्सटैशिएट करने की कोशिश कर दें पर हिस्ट्री को कभी ऐसे अप्रोच मत करिए कि इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स और इसमें बहुत रटना पड़ेगा केवल फैक्ट्स ही फैक्ट्स रखने ऐसा नहीं है आप एक जेनरिक जनरल सा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है किसी चीज़ किसी सोशल uh, पैटर्न uh, so को लेके तो आप एक बहुत बढ़िया आंसर बना सकते हैं अगर आप उसमें फैक्ट्स कम भी डालें उसको कम फैक्ट से भी सब्सटैशिएट करें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे देन आज कल देर इज़ ऑल्सो दिस न्यू ट्रेंड की कंटेम्प्ररी डेवलपमेंट से आप कैसे हिस्ट्री को लिंक करते हैं फॉर एग्जाम्पल इन इन दिस पेपर ओनली देर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट रिलेटिंग वेदिक एज विद हड़प्पन एज इन द लाइट ऑफ रिसेंट रिसर्चेज रिसेंट डेवलपमेंट्स तो आप ए एस आई की साइट पर जाइए और आप रैंडमली गूगल करिए कि क्या क्या नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं क्या नए एक्सकवेशनस हो रहे हैं उनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें जो नए नई हिस्टोरियोग्राफी की थ्योरीज आ रही हैं जो नए हिस्टोरियंस हैं उन पर भी थोड़ी चर्चा करें अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी पार्टनर्स uh, जो भी हैं उनके साथ और उनको अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करें दैट विल मेक योर आंसर वेरी यूनिक एंड इट विल गिव यू गिव यू एन एज ओवर अदर एस्पिरंस इन दी आंसर राइटिंग नाउ कमिंग टू आंसर राइटिंग मैंने एक uh, मतलब टाइम मैनेजमेंट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने अपने क्योंकि हिस्ट्री बहुत वास्ट है तो जैसा कि मैंने कहा मैं वॉटेक्स में फंस जाती थी और सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करती थी स्ट्रक्चर भी नहीं करती थी अपना आंसर ढंग से तो मैंने टाइमर लगा के टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करना शुरू किया जब मैं मैन आई यूज़ टू राइट द टेस्ट्स आई यूश टू आई यूश टू मेक श्योर दैट आई कवर द मैप पोर्शन फर्स्ट एंड आई यूज़ टू टेक अबाउट आई यूज टू कीप अ टारगेट ऑफ अबाउट थर्टी टू थर्टी फाइव मिनट्स टू कवर द मैप पोर्शन सो दैट बाकी के क्वेश्चन के लिए मुझे एम्पल टाइम मिले एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज़ टू स्ट्रक्चर माई आंसर्स वेल देन स्ट्रक्चर करने के लिए जैसा कि मैंने कहा कि आप जब बॉडी आपका इंट्रोडक्शन आप कुछ लिखें छोटा सा दो तीन लाइन का और बॉडी जब आप लिखें तो उनको अलग अलग हेड्स में डिवाइड करें सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिक ऐसे ऐसे करके करें आप हिस्टोरियंस को भी मेंशन करें कुछ अकाउंट्स भी मेंशन करें पर जब अकाउंट्स की बात आती है फॉर एग्जांपल अगर अलबरूनी के अकाउंट पर आपसे क्वेश्चन पूछा तो ये चीज़ याद रखें कि क्रिटिकल एनालिसिस इज़ की टू राइटिंग अ गुड आंसर तो आप जब अलबरूनी की बात करते हैं तो आप उसके सारे जो भी उसने लिखा आप वो जरूर मैंशन करें वट एवर ही इज़ रिटन अबाउट इंडिया एंड द जोग्राफिकल आस्पेक्ट्स एंड द कल्चरल आस्पेक्ट्स डू मैंशन इट बट ऑल्सो डू मैंशन दैट बर्नियर अलबरूनी का अकाउंट या किसी भी और का अकाउंट केन नॉट बी टेकन इट फेस वैल्यू इट हैज इट्स ओन फ्लॉज फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ अल्बरूनी ही डि नॉट विजिट कश्मीर बट हीज़ रिटन अबाउट कश्मीर विच इज़ मतलब विच इज़ बेस्ड ऑन अदर पीपल्स अकाउंट्स सिमिलरली uh, बर्नियर ने जो भी जो हु वॉज द फिजिशियन टू दारा शुको सो ही के मैन ही रोट सर्टन थिंग्स अबाउट इंडियन मिडिल क्लास फॉर एग्जाम्पल फॉर इंडियन सोसाइटी इन जनरल फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास डिड नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया इंडियन टाउन्स वर कैम्प टाउंस एंड टैक्सेशन सिस्टम ऐसा था इतना हैवी था कि मर्चेंट्स टैक्स अवेड करने की कोशिश करते थे टैक्स नहीं देते थे ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी हैं बहुत सारे कंटेंशन हैं विच आर नॉट करेक्ट सो वैन यू एंड योर आंसर When you conclude it, please do write कि आप उसका एक uh, unbiased criticism दें कि ऐसा ऐसा है और uh, accounts को face value पे नहीं लिया जा सकता। वैसे ही uh, introduction और body देने के बाद जब आप conclude करें, तो याद रखिए कि आपका opinion is not the conclusion that the uh, answer is demanding. जो भी इस्टेब्लिश स्कूल ऑफ थाट्स हैं हिस्ट्री के आपको उस तरह कंक्लूड करना है तो वैन यू कंक्लूडिंग यूज फ्रेजेज़ सच इज अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ हिस्टोरियंस या फिर इट इट्सम सो एज़ पर द हिस्टोरियोग्राफिकल अकाउंट्स या फिर रिसेंट रिसर्च हैव ब्रॉड टू लाइट दैट ऐसे तीन चार फ्रेजिज हैं उनको यूज़ करके आप अपना कंक्लूजन रखें और उसमें ज़रूर किसी हिस्टोरियन का नाम रखें द कंक्लूजन हैज़ टू कम फ्रॉम प्रॉपर रिसर्च एंड फ्रॉम द माउथ ऑफ अ हिस्टोरियन नॉट फ्रॉम योर ओन परस्पेक्टिव सो कीप दैट इन माइंड नाउ कमिंग टू रिविजन एस्पेक्ट इन हिस्ट्री तो हिस्ट्री क्योंकि बहुत वास्ट है तो उसको रिवाइज uh, आपको दो तीन बार चार बार करना होगा इफ यू वॉन्ट टू राइट गुड आंसर्स इन द पेपर तो लोग मुझे आकर बोलते हैं कि आई रेड फलाना ढिकाना सोर्सेज मैंने पढ़ लिया मैंने ये भी पढ़ लिया मैंने वो भी पढ़ लिया बट विच इट इट डिज नॉट रिफ्लेक्ट ऑन माई मार्क्स इन द फाइनल पेपर तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कुछ भी पढ़ लें आप मटेरियल कोई भी येलो पेज मटेरियल ले आए मार्केट से कितना भी पढ़ लें पर जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे जब तक आप अपने सोर्सेस कंसोलिडेट नहीं करेंगे तब तक आप उसको कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे इन द पेपर तो रिविजन इसकी विद हिस्ट्री तो आप ऐसे अपनी पढ़ाई स्ट्रेटेजाइज़ करिए कि आप उसको रिवाइज ढंग से कर पाएँ तो मैंने ये किया था कि एक तो मैंने लिमिटेड सोर्सेज जो भी मैंने मैंशन किए मैंने कंसल्ट किए थे कुछ लोग एंशंट के लिए डी झा वगैरह भी पढ़ते हैं मैंने नहीं पढ़ी थी मैंने एक ही बेस बुक रखी थी उपिंदर उसको सप्लीमेंट कैसे किया था अपने कोचिंग के नोट्स से और मैं करेंट हैपनिंग्स गूगल कर लेती थी इंटरनेट से वो था मेरा uh, एक एज अनदर थिंग वॉज इग्नू के बीए और एमए के नोट्स जो मेरे गैप्स फिल कर देते थे और ओल्ड एंड न्यू एनसीआर तो इतने ही मेरे लिमिटेड सोर्सेज रहते थे मैं बहुत सारे सोर्सेज कंसल्ट नहीं करती थी और अगर uh, जब मुझे जो भी हैंड आउट मेरे जैसे जी कोर के टेस्ट सीरीज़ के देने के बाद जो सल्यूशन पेपर मिलते हैं तो उसके जो पेपर्स मिलते थे या जो एक्स्ट्रा हैंड आउट्स मिलते थे उनको मैं एंशेंट मिडीवल मॉडर्न वर्ल्ड करके ऐसे सेग्रीगेट कर लेती थी एंड इन दी एंड मैंने उन सब सारे हैंड आउट्स को टॉपिक वाइज स्पायरल बाइंड करा लिया था तो जो भी मैं पढ़ती थी उसमें थोड़ी बहुत कमियाँ जो होती थी वो मेरी उस हैंड आउट से मैं मेरी कवर हो जाती थी तो इतना काफ़ी होता है एंड इफ़ यू राइटिंग आंसर्स आल्सो इफ यू प्रैक्टिसिंग आंसर्स तो आप जब आंसर लिखते हैं कोई आंसर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके फ्रेंड्स ने जो सेम आंसर लिखे होते हैं जब आप प्रियर रिव्यू करते हैं तो आप उनके भी आंसर्स देखते हैं तो उनके जो अच्छे टॉप पॉइंट्स होते हैं उनके आंसर्स में दैट यू स्क्रिबल इन योर आंसर्स राइट तो वो जो आपके आंसर्स हैं उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो जो आपका एंड में एक बंडल बनेगा द प्रैक्टिस आंसर्स का जो आप घर पर प्रैक्टिस करते हैं दैट्स ऑल्सो वेरी गुड सोर्स तो इतने ही सोर्सेज आप रखिए ज़्यादा सोर्सेज के पीछे मत भागिए और हमेशा वो देख कर मतलब टॉपिक देख कर चूज़ करिए कि आपको कौन से सोर्स से कंसल्ट करना है कौन सी बुक से कंसल्ट करना है उससे आपका रिविज़न जो है वो ईजी हो जाएगा और अगर आप अभी फ्रेशर हैं अगर आपने कोचिंग अभी अभी शुरू करी है आ, ले रहे हैं अगर आप कोचिंग तो तो मैं ये कहूँगी कि आपकी कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता है उसमें हर टॉपिक के बाद आप तीन चार पेजेस छोड़ दें तो जब आप वापस आएंगे दो तीन बुक्स कंसल्ट करेंगे उस सेम टॉपिक पे तो उन दो तीन बुक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप स्क्रिबल अगर कर लेंगे तो आ, एक प्रॉपर सोर्स मिल जाएगा आपको कि आपको दोबारा शायद बुक कंसल्ट करने की भी ज़रूरत ना पड़े आपके जितने पॉइंट्स आपको उस आंसर में एक्सपेक्टेड हैं उतने पॉइंट्स आपके नोटबुक में ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो ट्राई टू कंसोलिडेट एज़ मच एज़ पॉसिबल रिविजन एंड कंसोलिडेशन आर की टू स्टडिंग हिस्ट्री हिस्ट्री को स्मार्टली पढ़ना बहुत ज़रूरी है और उसके अलावा आ, मैं फिर से ये इस बात पे स्ट्रेस करना चाहूँगी कि कोई भी टॉपिक आप उठाकर पढ़ें कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो प्लीज़ एक साइड अपना सिलेबस रखें एक साइड पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस रखें ताकि आप ये देख पाएँ कि कौन सा टॉपिक की कितनी वेटेज है आपको उसको कितना समय देना है अगर आप इतना करेंगे तो आपके मार्क्स ज़रूर इतिहास में अच्छे आएंगे फाइनल एग्जामिनेशन में सो दैट इज़ ऑल दैट आई हैव टू से टू यू अबाउट माई सब्जेक्ट हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किए हैं देन प्लीज़ डू चेक आउट माई वीडियोज़ दे जी एस कोर पर मैंने एक दो वीडियोज़ करी हैं आंसर राइटिंग की अगर आपको फिर भी लगता है कि इवन दोज़ आर नॉट कवरिंग योर डाउट्स प्लीज रीच आउट टू मी ऑन कोरा आई एल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज एज एंड वेन आई गेट टाइम सो दैट विल बी ऑल ऑल द वेरी बेस्ट टू यू स्टेट यून टू डेली नॉलेज ट्रैक